ओके, तो ये है प्रोटोनिक्स का माई बड़ी के 11 लैपटॉप स्टैंड। ये एक मेटल लैपटॉप स्टैंड है जो कि 360 डिग्री रोटेटेबल है। पीछे आपको कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग में मिलता है। पीछे का कुछ फीचर्स की बात करें तो मल्टी एंगल एडजस्टमेंट, ये एडजस्टेबल है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 360 डिग्री रोटेटेबल बेस है तो ये पूरा स्विवल बेस पे है तो ये 360 डिग्री रोटेट करता है। सिलिकॉन रबर पैडिंग के साथ आता है तो आपका लैपटॉप स्लिप नहीं होगा। वेंटिलेटेड बोर्ड है तो आपकी लैपटॉप की एफिशिएंट कूलिंग है। कहने को ये लैपटॉप स्टैंड है बट आप इस पर टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो। क्विकली हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें एक और चीज़ मिलती है जिसकी मदद से आप इसके हिंजेस को टाइट कर सकते हो ओवर द टाइम। हम लोग साइड में रखते हैं। सो दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट। इसकी आउटर पैकेजिंग को हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है एक वारंटी कार्ड। तो यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो यहाँ पे एक स्पैनर दिया गया है, एक लैपटॉप स्टैंड है। इसके 360 फीचर के बारे में बताया गया है। तो इसके मदद से जो यहाँ पे एक स्पैनर मिलता है हमें के हिंजेस को टाइट या लूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली आप। सो दिस इज प्रोटोनिक लैपटॉप स्टैंड। बिल्ड क्वालिटी फुली मेटल है और हैवी है काफ़ी। 360 कुछ इस तरह से काफ़ी सेटिस्फाइंग और टैक्टाइल है ये। मतलब एक एक एंगल अगर आप घुमाते हो या फिर एक एक डिग्री आप घुमाते हो तो इसको आप काउंट कर सकते हो कुछ इस तरह से। और हाइट को एडजस्ट करने के लिए आप सिंपली इसको इस तरह से पकड़ के उठा दोगे और अपने डिजायर्ड हाइट या फिर एंगल सेट करके आप इस पर अपना लैपटॉप या फिर टैबलेट रख सकते हो। और डेस्क पे रहता है तो काफ़ी स्लीक और एलिगेंट सा है। मेटल बिल्ड है तो अगर आपका हैवी लैपटॉप भी है या फिर टैबलेट है तो जल्दी ये हिलेगा नहीं। कि आपको इसके नीचे यहाँ पे चार रबर पैड्स मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये अगर आपने स्लिपरी सरफेस पे भी रखा है तो आपका ये स्लिप नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे जहाँ पे आप टैबलेट या फिर जो आप अपना लैपटॉप रखने वाले हो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी रबराइज्ड पैड्स यहाँ पे दिया गया है तो आपका लैपटॉप भी या टैबलेट भी ना ज़मीन से फिसलेगा ना ही ऊपर जो इसका होल्डर है यहाँ से फिसलेगा। और इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि आपका जो हिंज है वो ज़्यादा देर तक एक जगह पे नहीं है या फिर ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहा है, बार बार कोलैप्स कर रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन इसी के पैकेट में आता है। इसी स्पैनर की मदद से आप यहाँ पे जो नट बोल्ट है आप उसको यहाँ पे लगा के इजीली टाइट कर सकते हो ऊपर से और नीचे से कुछ ऐसे। एक साइड से हो गया और ये रहा दूसरे साइड से। ये देखिए एकदम अब ये तो अब नीचे ही नहीं आ रहा है। अभी आपका ये पूरा एक तरह से लोहा अलर्ट हो गया अगर देसी लैंग्वेज में बोले तो। चाह के भी आप इसको आप नीचे नहीं कर सकते एनलेस एंड अनटिल आप इसको लूज करते हो तो आपका टैबलेट या फिर लैपटॉप कहीं नहीं जाने वाला। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये मेरा टैबलेट है, ऐसे किया और सिंपली इसके हिंजेस में लगा दिया तो डिवाइस नेम आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये रेडमी पैड है और जो वेरियंट है मेरे पास वो 6 128 GB वाला है। और एंड्रॉयड वर्जन अगर आप देखोगे तो दिस इज़ एंड्रॉयड 14, तो लेटेस्ट एंड्रॉयड भी है इसमें। तो बेसिकली मैंने इसको थोड़ी बहुत एडिटिंग, मीडिया कंजम्पशन, नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम स्ट्रीम करने के लिए लिया था। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी मैं करता हूँ तो यूट्यूब वगैरह भी देख लेता हूँ। और इस स्टैंड में लगाने के बाद जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसे अगर मैं डेस्क पे भी बैठा हूँ, मुझे अगर थोड़ा सा अगर ऐसा पोस्चर अगर अपना मेंटेन करना है, मुझे सिंपली थोड़ा सा इसको इस तरह से लिफ्ट करना है और मुझे अपना व्यूइंग एक्सपीरियंस या फिर व्यूइंग एंगल जो है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है विदाउट एनी बार बार उठ के बैठना। या फिर अगर ये फिक्स्ड होता ये स्टैंड तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती। अगर मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ या फिर मैं थोड़ा उधर चला जाता हूँ तो मुझे सिंपली इसको इस तरह से ऐसे टिल्ट कर देना है। सपोज़ अगर आप एक प्रोफेशनल भी हो और सामने क्लाइंट बैठा है, आपने इस पर कोई डिज़ाइन वगैरह या फिर कुछ भी आपने बनाया हो, सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखाना हो, सिंपली आप तो इस तरह से ऐसे घुमाओगे और मान लीजिए अगर उसको थोड़ा बहुत कोई डाउट होता है तो आप इंस्टेंटली आप अपना करेक्शन या मैनिपुलेशन करके आप उनको ये चीज़ दिखा सकते हो। और मेरे हिसाब से आपके PPT से ज़्यादा ये जो प्रोडक्ट है आपके क्लाइंट को इंप्रेस करेगा क्योंकि ये थोड़ा सा नया है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है जो फोटो स्टूडियो वगैरह में भी जाते हैं तो बार बार अपना जो टैबलेट या फिर डिवाइस होता है लैपटॉप पूरा इस तरह से घुमा के इस तरह ऐसे दिखा देते हैं जो कि थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। जो फोटोनिक्स का ये जो 360 डिग्री रोटेटेबल स्टैंड है वो एक ही जगह पे आपका रहेगा, बस आपको सिर्फ इस तरह से स्विवल मूवमेंट करके 360 आपको घुमाना है कुछ इस तरह से और एंगल वगैरह एडजस्ट करके आप इजीली आप अपने डिवाइस पर डिस्प्ले कर सकते हो। ये खुद के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अगर आप अपने स्टूडियो में अगर थोड़ा सा एस्थेटिक्स भी बढ़ाना चाहते हो तो भी इम्पॉर्टेंट है। तो अंडर 16,000 to 17,000 आपका जो कुछ इस तरह का सेटअप है, स्टडी सेटअप अगर आप चाहते हो या प्रोडक्टिविटी सेटअप चाहते हो, थोड़ी बहुत PPT और अगर आप स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो, पढ़ाई वगैरह करते हो, थोड़ा वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाना आप लोग इजीली बना सकते हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे YouTube ओपन किया हुआ है और यहीं से मैं
अपना जो क्लास वगैरह है मैं ऑन करके यहाँ पे चला सकता हूँ, एज वेल एज जो कीबोर्ड है मैं पॉज प्ले जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ पे इसको आगे पीछे बढ़ा भी सकता हूँ। तो मैं इन दोनों की सेपरेट वीडियो अभी लाने वाला हूँ जल्द ही, और अभी इसी पे काम चल रहा है। और ये जो स्टैंड है वो अप टू 5 to 6 kg तक का पेलोड अपने ऊपर ले सकता है, तो इंक्लूडिंग योर प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स, थिन एंड लाइट लैपटॉप्स एंड इवन हैवी गेमिंग लैपटॉप्स। और इसका डिज़ाइन पार्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ वेंट्स दिए गए हैं काफ़ी, मेनली जो कूलर या फिर जो लैपटॉप के फैंस वगैरह होते हैं वो इसी एरिया में रहते हैं, तो प्रॉपर वेंटिलेशन है तो आपका लैपटॉप गर्म भी नहीं होगा, और अगर गर्म होता है तो इसका वेंटिलेशन का यहाँ पे प्रॉपर आपको कटआउट्स मिलते हैं, तो आपका ये लैपटॉप हीट भी नहीं होगा और आपका काम नॉन स्टॉप चलता रहेगा। सो दैट इज़ इट विद द वीडियो गाइज। इस डेस्क पे रखे हुए कोई भी गैजेट से रिलेटेड अगर आपको क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। अगर आप इस पर्टिकुलर फोटोनिक्स के लैपटॉप स्टैंड टैबलेट स्टैंड में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो मैं सेपरेट लिंक्स कीबोर्ड एज वेल एज माउस का भी दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भी आप ले सकते हो। इट डजंट मैटर कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो ही आप लो, अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, वर्क इवन वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हो तो भी आपका ये काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। और मैं खुद ही कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे ये लगता रहता है, तो मैं क्या ही इसमें सिर्फ कैटेगरी में आपको लिमिट कर दूँ कि इसे प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर भी हो अगर आप देख रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला। और इनफैक्ट जब मैं काम से थोड़ा ब्रेक लेता हूँ तो मैं खुद ही इसमें मूवीज़ वगैरह इन्जॉय करता हूँ, आप भी करोगे अगर आप लेते हो। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक फीचर अगर नहीं समझ में आया है या फिर कोई भी पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो टाइम स्टैम्प्स मैंने दिए रहे होंगे इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा सारे टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपने प्रेफर्ड पार्ट को रिपीट करके देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।